हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम एनवीटी का एक टॉपिक ज़रूर लेंगे, लेकिन वो हम सैटरडे लेंगे। आज हम एक बात करते हैं जिसके बारे में लोग काफ़ी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशानी उठाते हैं, और वो टॉपिक है कि पीडीएफ टू वर्ड कैसे कन्वर्ट किया जाए। हाउ टू कन्वर्ट, मतलब स्कैन डॉक्यूमेंट, हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड। स्कैन पीडीएफ जो हमारे पास होते हैं वो हम इजीली नहीं पढ़ पाते हैं, और हमारा स्क्रीन रीडर काम नहीं करता है हमारी टोटल वॉइस में। जो हमारी वॉइस है वो हमें, मतलब स्क्रीन रीडर की जो स्पीक है वो नहीं होती है, यानी स्पीच ऑफ हो जाती है, वो बोलता ही नहीं है, तो स्पीकेबल नहीं रहता हमारा कोई भी स्क्रीन रीडर स्कैन डॉक्यूमेंट में, जब तक हम OCR यूज़ ना करें। समझ में आए ना, मतलब अनेबल हो जाता है। अनेबल का मतलब नॉन स्पीकेबल रहता है, वो शांति रहेगा चाहे एनवीडीए हो या जॉस हो। अगर हमारा जो है, हमारा जो पीडीएफ टू वर्ड, जब हमारा सॉरी जो हमारा स्कैन पीडीएफ है, और अगर वो पीडीएफ टू वर्ड नहीं है, सिर्फ स्कैन पीडीएफ है, तो ना ही एनवीडीए वर्क करेगा और ना ही क्या करेगा, जॉस वर्क करेगा। तो अब इस जॉस के केस में क्या होता है कि हम OCR यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग। तो वो स्कैन को पढ़ने के लिए होता है। इसी तरह NVDA का केस आता है। NVDA के केस में हम क्या करते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर लेना होता है, ABB YY Fine Reader। अब फाइन रीडर जो है, ABB फाइन रीडर क्या काम करता है, ये जो स्कैन PDF होते हैं इनको वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये कुछ दिन तो ट्रायल होता है इसका। तो अब बात ये है कि जब हम ABB फाइन रीडर की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, वो स्कैन PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ABB YY फाइन रीडर का कुछ दिन तो ट्रायल मिलता है, कुछ दिन, बाकी उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। NVDA की कोई ऐसे एडवांस नहीं है, इसमें OCR का कोई फंक्शनिंग नहीं है, कुछ ऐसे एडवांस नहीं है जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकें, इसलिए बेहतर है कि आप जॉज यूज़ करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जॉज और NVDA थोड़ा सा एक बार ख़रीदना तो पड़ता है, मतलब आप ट्रायल के बाद ख़रीद सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप NVDA को यूज़ कर सकते हैं। NVDA में अभी तक ऐसे एडवांस डेवलप नहीं हुए हैं जो एडवांस को अपनी फंक्शनिंग करें, तो वो नहीं हुए डेवलप, तो आपको ABB YY फाइन रीडर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक और ऑप्शन है, लेकिन वो भी ज़्यादातर सब पेड होते हैं, फिर भी एक ऑप्शन और है कि आप ऑनलाइन लिखें, जैसे कि गूगल क्रोम खोलें, वहाँ पे आप लिखें एड्रेस बार में, क्या लिखेंगे, कन्वर्ट PDF टू वर्ड OCR, कन्वर्ट PDF टू वर्ड OCR, ये लिखेंगे जैसे ही, तो वेब रिजल्ट्स के बाद पहली हेडिंग आएगी, पहला लिंक आएगा, वहाँ एंटर कीजिए। टैप टैप से आप ब्राउज फाइल बटन आएगा, वहाँ एंटर कीजिए, फिर जो फाइल को आपको PDF टू वर्ड कन्वर्ट करना है वो फाइल को अपलोड कर दीजिए। कुछ सेकंड तक आप रुकिए, फिर वहाँ पर कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर टैप टैप कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तो वर्ड वाला जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो ये करो, ये बहुत फिर झंझट रहता है, लेकिन ये भी मांगते हैं पैसे, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। लेकिन ABB YY फाइन रीडर में 80-90% एक्यूरेसी होती है, जो आपके PDF टू वर्ड कन्वर्जन को आसान बना देती है, बहुत आसान बना देती है। तो एक्चुअली मैं आई थी कि साइबर कैफ़े आज की, वहाँ पे आपको थोड़ा देर से, अगर कंप्यूटर वहाँ के स्पीकर ही नहीं है, वहाँ पे लोग स्पीकर लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, साइटेड लोग, तो वरना तो आपको कंप्यूटर के साथ ट्यूटोरियल बना के देती है NVDA का। अब मैं यहाँ से नोट करके ले जाती हूँ, कुछ मुझे टॉपिक्स पढ़ाने हैं जो इंटरनेट पे सर्च करके उनकी लिस्ट बना लेती हूँ, और बाकी NVDA के कुछ कमांड्स मैं आपको कल, ये जितनी जल्दी हो सकेगा बताऊँगी, तो फिर उसके बाद मंडे को मिलेंगे। बहरहाल उम्मीद करती हूँ ABB YY फाइन रीडर का एक ट्यूटोरियल, अगर आपको ज़रूरत होगी तो एक ट्यूटोरियल और करके दूँगी,
बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।